इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मामले में भारत दुनिया का नंबर वन देश है, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन अब भारत इंटरनेट पर बैन लगाने में भी दुनिया का नंबर वन देश बन गया। वेबसाइट internetshuntdowns.com के अनुसार देश में 2014 से अब तक 357 बार इंटरनेट सेवाएं ठप की जा चुकी हैं। साल 2018 में दुनिया में इंटरनेट बंद करने की 67% घोषणाएं भारत में हुई, जहां 134 बार इंटरनेट सेवाएं ठप की गई, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा थी। इस साल के आंकड़े भी भारत को इंटरनेट ठप करने वाला नंबर वन देश बनाते हैं। 2019 में जनवरी से लेकर जुलाई तक पूरी दुनिया में 120 बार इंटरनेट ठप किया गया। इनमें से ऐसी 80 घटनाएं यानी 67% भारत में हुई। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU ने देश में इंटरनेट ठप होने वाले इलाकों के आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें पता चला कि 2019 में 15 दिसंबर तक 93 बार इंटरनेट ठप किया गया, जिससे 167 इलाके प्रभावित हुए। 2019 में इंटरनेट बैन के मामले में सबसे ऊपर जम्मू और कश्मीर रहा, जहां 53 बार इंटरनेट सेवाएं ठप की गई। सबसे ज्यादा इंटरनेट बैन की घोषणाएं 5 अगस्त 2019 के बाद हुई, जब धारा 370 को हटाया गया। और इस समय जब हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं, तब भी देश के कई हिस्सों में NRC और CAA को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है।